लिया पंच वक्त्र शिव का रूप। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा 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 स्वाहा। हमारा ध्यान भंग क्यों हुआ और ये ध्वनि कैसी है? वो आकाश में क्या है? वो देखो क्या है वो? हमारे हवन की अग्नि शांत कैसे हो गई? हमारे यज्ञ में व्यवधान कैसे आ गया? क्या कारण है इसका? क्या हुआ? क्या हुआ? यह आकाश मार्ग से क्या बढ़ा रहा है हमारी ओर? कौन है ये? कौन है ये? कदाचित ये तो असुर हैं। इनके विषय में सुना है मैंने, रसातल वासी हैं ये, किंतु ये अपनी सीमा लांघकर पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? इनका यहाँ आगमन सर्वथा अनुचित है। कौन हो तुम सब? क्या चाहिए तुम्हें और क्यों आए हो तुम यहाँ? आक्रमण! इन असुरों के आक्रमण से अपनी रक्षा कैसे करें? बचाएं स्वयं को? रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। छोड़ दो, रक्षा कीजिए। छोड़ दो, छोड़ दो, सबको छोड़ दो प्रभु, रक्षा करो। चलो शांतिपूर्वक बंदी बन जाओ, अन्यथा अंत करेंगे तुम्हारा। अब हमारी सत्ता है। ये वन क्यों है यहाँ? किस लोक से आगमन हुआ है इसका? हमारी शांति क्यों भंग हुई? क्या है इनका आशय? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं हूं, मैं तुम्हारा स्वामी दारुक। स्वामी हो तुम हमारे? क्या अर्थ है इसका? हमारे स्वामी हमारे प्रभु हैं और हमारे प्रभु का पद कोई भी असुर नहीं ले सकता। किसी असुर को यह पद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बताओ कौन हो तुम और तुमने यहाँ आने का दुस्साहस क्यों किया? क्या चाहते हो तुम? तुम मुझसे पूछते हो? मुझसे पूछते हो क्या चाहता हूँ मैं? अरे ऋषि मुनि होना, ज्ञानी होना, कैसे मूर्खतापूर्ण सवाल करते हो? क्या चाहता हूँ मैं पृथ्वी चाहता हूँ, पृथ्वी चाहता हूँ मैं, पृथ्वी चाहता हूँ मैं, पृथ्वी चाहता हूँ मैं, समझ लिया? यह अनुचित है। माँ भुवनेश्वरी ने सभी प्राणियों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार लोक निर्धारित किए हैं। मूर्ख ऋषि, हमारी यही प्रवृत्ति है छीनने की, हम किसी नियम का पालन नहीं करते। हाँ, और यदि तुम्हारी माँ भुवनेश्वरी ने कोई नियम स्थापित किए हैं तो अभी के अभी मैं उन्हें परिवर्तित कर देता हूँ।
जाओ मेरे असुरों, इन युवा ग्रामीणों और ऋषियों को अपना आहार बनाओ, और जो बचेंगे वो हमारी सेवा करेंगे, हमारे सेवक बनेंगे। अरे यहाँ बैठे देख क्या रहे हो, जाओ। आज तुम्हारा भोज है, इनका आहार करो, अपनी भूख मिटाओ। ये कैसा संकट है, कौन करेगा हमारी रक्षा? छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो हमें। अब इन निरीह ऋषियों का भक्षण होगा, जिसे देखकर मुझे आनंद आएगा। आपने उचित कहा था स्वामी, हम असुर ही इस पृथ्वी सत्ता के योग्य हैं। अरे क्यों रहे हम असुर उस उजार रसातल लोक में, और ये बलहीन शाकाहारी ऋषि इस पृथ्वी लोक का आनंद उठाएं? मात्र इसलिए कि ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं है? कदापि नहीं, अब यहाँ हमारा अधिकार होगा, हम इसका आनंद उठाएंगे, ये सर्वथा उचित है। पृथ्वी पर हम असुरों का साम्राज्य होगा और मैं होऊंगा सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट दारुक। फिर क्या हुआ माता? जहां आसुरी प्रगति प्रबल हो वह और क्या हो सकता है रे आतंक। दारुका और दारुक का आतंक प्रारंभ हुआ, सभी ऋषि मुनियों और समस्त पृथ्वी वासियों पर प्रारंभ हुआ उनका आतंक। पृथ्वी का अनुचित उपभोग आरंभ किया उन्होंने, अनेकों युवा ऋषियों को उन्होंने और उनके असुरों ने अपना आहार बनाया और अन्य सभी को अपना दास। तो माता, आपने हस्तक्षेप नहीं किया उन ऋषियों की रक्षा के लिए? नहीं, क्योंकि मैं उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहती थी, देखना चाहती थी कि उन्हें मुझ पर कितना अटूट विश्वास है। मेरे हस्तक्षेप के लिए उन्हें मेरे और देवताओं को पुकारने की आवश्यकता थी, उन्हें मेरे प्रति अपनी भक्ति दर्शाने की आवश्यकता थी, और उन्होंने जो किया उसने तो मुझे भी चकित कर दिया। ऐसा क्या किया था उन ऋषियों ने माता? प्रभु रक्षा करो, रक्षा कीजिए प्रभु। इधर चलो इसके। हम इन असुरों के समक्ष असहाय हो गए हैं, इन्होंने बंदी बना लिया है हमें, हमें नष्ट कर रहे हैं ये असुर। असुर श्रेष्ठ, हमारे असुर चौ दिशाओं में फैल गए हैं, पृथ्वी के कोने कोने में जाकर ऋषियों मुनियों और मनुष्यों को बंदी बना रहे हैं। बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु। प्रभु ये ऋषिवर क्या कर रहे हैं? ये
ये आप क्या कर रहे हैं ऋषिवर? यज्ञ। जब हम सर्वसंपन्न थे तो कोई कष्ट नहीं था हमें। ईश्वर की कृपा बनी हुई थी हम पर, क्योंकि हम यज्ञ करते थे। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें अपने कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। किंतु ऋषिवर, हमारे पास हवन के लिए ना कोई सामग्री है, ना घृत और ना ही हविष्य। हवन की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए भी हमारे पास कोई शेष उपाय नहीं। ऐसे में हवन कैसे करेंगे हम? हमारे पास हमारा ज्ञान है, हमारे मंत्र शेष हैं। हम अपने मानस में यज्ञ कर सकते हैं, मानस यज्ञ क्रिया से। परिस्थिति में भी मानस यज्ञ क्रिया से यज्ञ की आहुति देकर अपनी भक्ति और श्रद्धा का परिचय दिया और उनकी प्रार्थना का स्वर देवताओं तक पहुंचा। उस समय मैं माता आदि शक्ति की पूजा में विलीन था, तभी ऋषि मुनियों की पुकार मेरे स्थान और अन्य देवताओं तक पहुंची और हम उनकी सहायता करने के लिए तत्पर थे। ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते। हे प्रभु, प्रभु, देवगण, पृथ्वी पर संकट छाया। हमें ऋषि मुनियों की रक्षा करने हेतु शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। हाँ इंद्रदेव, प्रतीत होता है ये तुष्ट दुराचारी असुर रसातल से पृथ्वी लोक पर पहुंचकर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, जो हम कदापि नहीं होने देंगे। माता, हमें आशीष दीजिए। पृथ्वी को संकट मुक्त करने हेतु हम प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए देवगण। रक्षा करो प्रभु, छोड़िए, हमसे कौन सा पाप हुआ है माँ, जो ये कष्ट झेलना पड़ रहा है हमें? हमारी रक्षा कीजिए माँ, अपनी निरी संतानों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। आगे बढ़ो।
कैसी ध्वनि थी हा? ये भ्रम नहीं था मेरा, कोई है अवश्य वहां जिसने ध्वनि उत्पन्न की थी, मगर कौन है? प्रकाश बिंदु यहां कैसे आ रहे हैं? ये कैसी ध्वनि है? लगता है आकाश मार्ग से कोई आ रहा है। असुर श्रेष्ठ, प्रतीत होता है ये कुछ देवता हैं जो हमारी ओर बड़े आ रहे हैं। देवता? तो इन सबको यहां बंदी बना रखा है, दृष्टता की पराकाष्ठा है ये। ऋषियों को त्रस्त करने का दुस्साहस कैसे किया? ये प्रश्न तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए देवताओं, कि मेरी पृथ्वी पे आके तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछने का दुस्साहस कैसे किया कि मुझे क्या क्यों कब कैसे करना चाहिए? तुम्हारी पृथ्वी ये तो बड़ी ही अप्रिय स्थिति थी। एक ओर ऋषि मुनियों के लिए लड़ रहे देवता थे, तो दूसरी ओर माँ आदि शक्ति के वरदान से रक्षित असुर। विजय किसकी हुई, धर्म की या वचन की? शीघ्र इन देवताओं का कोई उपाय करना होगा मुझे। जो भी हो तुम,
देखो दुस्साहस करने का परिणाम। हम पृथ्वी पर और तुम्हें क्षति पहुंचाने नहीं देंगे। जिस प्रकार तुम यहाँ आए हो उसी प्रकार अपने यहाँ से रसातल में असुर लोक में जाने पर विवश कर देंगे तुम्हें। देवताओं का इतना दुस्साहस, अवसर पाते ही दंड दूंगा मैं दूंगा। इन देवताओं से हमारी रक्षा करने में सक्षम तो एक ही शक्ति है, तुम क्या मुझे यहां से प्रस्थान करने के लिए विवश करोगे देवताओं? मैं तुम्हें विवश कर दूंगा यहां से भागने के लिए। देवताओं, इन्हीं ऋषि मुनियों के समान तुम्हें बंदी बनाऊंगा मैं। हाँ, इसके बाद तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा मैं, तुमसे अपनी सेवा करवाऊंगा मैं। बंदी बनाओगे हम देवताओं को? इतना सामर्थ्य है तुम में? बस बहुत हुआ। अब सहायता कीजिए मां, सहायता कीजिए। ये क्या, देवी आदिशक्ति? ये स्वयं प्रकट होकर इन असुरों की रक्षा कर रही, किंतु ये हमारे अस्त्र प्रहार को रोक क्यों रही? कारण जो भी हो, किंतु देवी आदिशक्ति की सहायता से तो ये असुर अपराजय हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देवराज? बस अब और कोई वार नहीं करोगे देवताओं? साहस छूट गया तुम्हारा देवताओं? सुनो देवराज इंद्र, तुम मेरे स्वामी का परिचय पूछना चाहते थे ना, तो मैं तुम्हें बताती हूं। मेरे स्वामी है प्रबल प्रतापी सर्वश्रेष्ठ असुर दारुक, और मैं हूं उनकी पत्नी पृथ्वी की स्वामिनी। इसने तो स्वयं को पृथ्वी का अधिपति घोषित कर दिया है, अर्थात यह असुर अब देवी भुवनेश्वरी द्वारा स्थापित सृष्टि के नियम को भंग कर यही निवास करने वाला है। और तुम इस भ्रम में मत रहना कि तुम और तुम्हारे देवतागण हमें रोकने में समर्थ रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं माता आदि शक्ति की शक्ति से सुरक्षित हैं हम, और माता आदि शक्ति हमारी सुरक्षा कवच है। माता आदि शक्ति
इस असुरी का कवच बनी है। क्या हुआ देवराज, स्तब्ध रह गए? मस्तक हिल गया, पैरों तले पृथ्वी हिल गई। समझ में आ गया ना कि पराजित नहीं कर सकते हमको, तो आओ आओ हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, बंदी बन जाओ, ऋषि मुनियों की तरह सेवा में लग जाओ। माता आदिशक्ति की इच्छा का उल्लंघन हम कैसे कर सकते हैं? मैंने संसार की रचना की है, सभी का जन्म मुझसे ही हुआ है, मैं ही सबकी माता हूँ। सतो रजो और तमो, इन सभी गुणों में मैं भेद नहीं करती, सबकी रक्षा करती हूँ मैं। दारुका तो माँ के कारण सुरक्षित थी, अर्थात उन असुरों को कोई क्षति भी नहीं पहुँचा सकता था, तो फिर उन असहाय ऋषियों की रक्षा का उपाय क्या था माता? पृथ्वी की रक्षा कौन करने वाला था? आप उन असुरों की कवच बन गई, तो फिर उन ऋषियों की रक्षा कैसे संभव थी? असमर्थ असहाय अपने भक्तों को नहीं छोड़ती मैं गणेश, उन्हें कठिन परिस्थितियों से बाहर आने का पथ भी मैं ही दिखाती, ये भी मेरी ही लीला है। अर्थात माता, माता की इच्छा है कि गणेश जी के इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं। जो आ गया माता, ये सत्य है गणेश जी, जब माता आदि शक्ति तारुक और दारुका की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हुई तो हम सभी देवता सत्य में आ गए। ये क्या हो रहा है इंद्रदेव? माता आदि शक्ति इन दुष्टों की रक्षा क्यों कर रही हैं? जब आदि शक्ति स्वयं इनकी सहायता कर रही हैं, तो इनको पराजित कैसे करेंगे हम? देवगण, ये तो मेरी भी समझ के परे है, किंतु इसके पीछे जो भी कारण है, माता की इच्छा सर्वोपरि है, किंतु हमें माता के विरुद्ध गए बिना इन भक्तों की, इन निरीह धर्म परायण शांति प्रिय ऋषि मुनियों की रक्षा करने हेतु शीघ्र प्रयास करने होंगे। क्या हुआ देवताओं, स्तब्ध रह गए ना? अब हमें पराजित करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। अरे दारुका, हमारा ये ऐसा दाव है आदिशक्ति, जिनका कोई तोड़ नहीं है इनके पास। अरे हमें तृण मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं देवता। माता, मेरी धृष्टता क्षमा करे, मुझे भ्रम हुआ, अथवा आप ही इन दुष्ट असुरों की सहायता कर रही? हाँ देवराज, उचित समझा तुमने, माता आदि शक्ति ही मेरी कवच है, हमारी कवच है। माता, इन दुष्टों की कुटिलता का परिणाम तो आपके समक्ष है, आप तो अंतर्यामी हो माता, आप इनकी मनसा जानती हैं। ये समस्त पृथ्वी लोक पर असुर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ये तो आपके ही द्वारा माता भुवनेश्वरी रूप के द्वारा स्थापित किए गए नियमों के विपरीत है। और माता, मात्र नियम भंग नहीं किए इन्होंने, निर्बल निर्दोष असहाय ऋषि मुनियों को भी पीड़ित कर रहे हैं। ये आपकी कैसी लीला है माता, आप इन दुष्टों की सहायता क्यों कर रही हैं? क्या इनका व्यवहार अनुचित नहीं है? उचित और अनुचित तुम्हारे अनुसार ही होगा क्या? देवलोक भी तुम्हारा, पृथ्वी लोक भी तुम्हारी, ऋषि यज्ञ करें तुम्हारे और पूजा भी तुम्हारी हो, और यज्ञ का हविष्य भी तुम्हें ही प्राप्त हो, और माता आदि शक्ति की कृपा भी तुम पर ही बरसे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं भी माता की भक्त हूँ और मैंने भी कठोर तपस्या की है, और अब हम असुरगण इस तपस्या का फल भोगेंगे।
पृथ्वी के अब समस्त सुख हमारे होंगे। स्वयं वचन दिया है माता ने हमें, अब माता ही हमारी रक्षा कवच बनेंगी। फिर इन ऋषियों के साथ हम कुछ भी करें, तुम्हारा इस पृथ्वी पर कोई अधिकार नहीं, इसलिए जाओ यहाँ से। इसका इतना दुस्साहस, सुना नहीं, जाओ यहाँ से। दारुका दारुका दारुका, रुको रुको रुको। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं कहते, ऐसे कैसे चले जाएंगे ये? आक्रमण करने आए हैं हम पे, परंतु हैं तो हमारे अतिथि। तो सत्कार तो होगा, परंतु पृथ्वी के विधान से नहीं होगा, आसुरी विधान से होगा। अवश्य, वही उचित स्वागत होगा इन देवताओं का। जाओ मेरे प्रिय असुरों, इन अतिथियों का वैसा ही सत्कार करो जैसा हम हर अतिथि का करते हैं। ये असुर हमारी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? अब समझी दारुका, मैंने इन्हें क्यों रोका? हाँ स्वामी, अब तो और भी आनंद आएगा हमें। देवताओं, अब तुम्हें इन ऋषियों की चिंता छोड़ के अपनी चिंता करनी चाहिए। मेरे प्रिय असुरों, इन बिन बुलाए अतिथियों का सत्कार आरंभ हो। देवगण, इन तुष्ट असुरों से स्वयं की रक्षा करने के लिए सभी एक साथ हो जाइए। प्रहार तो व्यर्थ हो गया, स्वयं माता आदिशक्ति इन असुरों की रक्षा कर रही। मां, ये कैसी लीला है आपकी? हम अपना दायित्व निभाने में असमर्थ हो गए, हमें इन असुरों से मुक्ति का मार्ग सुझाइए माता। क्या हुआ इंद्र? अभी से सांस छूट गया तुम्हारा? अभी तो सत्कार आरंभ हुआ है। देवगण, स्वयं माता आदि शक्ति इन असुरों का कवच बनी, वो स्वयं इनकी रक्षा कर रही है।
इस प्रकार इस युद्ध में विजयी होना कदापि संभव नहीं है। आपका कथन सर्वथा उचित है इंद्रदेव, किंतु अब हम क्या करें? असहाय निरुपाय हो गए हो देवताओं, तुम्हारे लिए यही उचित है। एक ओर माता आदि शक्ति इन असुरों की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी ओर ऋषि मुनि संकट में। देवराज, हम इन असुरों से घिर चुके हैं, इनके कवच को भेदना हमारे लिए असंभव है। यदि हम इन पर प्रहार भी करेंगे तो माता आदि शक्ति हमारे प्रहार रोक देगी। अब हम करें तो करें क्या? तो अब हम क्या करेंगे देवराज? देवगण, परिस्थिति जो भी हो, हमें अपना धर्म निभाना ही होगा। हम इस प्रकार इन असहाय ऋषियों पर होते आतंक को देखकर खड़े नहीं रह सकते। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकोगे तुम। आओ इंद्र, इसी पल की प्रतीक्षा थी मुझे, आओ। दुष्ट असुर, मैं तुम्हें इसी क्षण पराजित कर तुम्हें तुम्हारे लोक वापस भेज दूंगा। देवगण तो निसहाय ऋषि मुनियों की रक्षा करने आए थे, अब इस परिस्थिति में उनकी रक्षा कौन करेगा?